और आज साइटोप्लाज्म के बाद हम आगे की तरफ चलेंगे मिजोजोम की तरफ कि बेसिकली मिजोजोम क्या है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मिजोजोम बेसिकली मैंने कल भी बताया था, कल वॉइस का प्रॉब्लम था तो इसलिए मीटिंग ऑफ करनी पड़ी थी, तो आज फिर दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। मिजोजोम क्या है, चलिए जी मैं आपको बताता हूँ मिजोजोम का कि बेसिकली मिजोजोम क्या है। अच्छा जी, देखिए मीजोसोम, देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि सपोज करें कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल है और ये है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड कैप्सिड। ठीक है, अच्छा अगर क्या हो कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड, देखिए बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या हो, इनवर्ड फोल्डेड, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए ना, जब बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड हो गई, देखिए सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल यानी कि चले प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड टू फॉर्म वो मिस करेगा सर्दी वाला भी जल्दी जल्दी स्पेशल स्ट्रक्चर। सर्दी वाला भी मिस करेगा उठ उठ बीस रहेगा उसने नहा के बोतल आगे चले निपट गया जुमा वेरी गुड जुमे से नहीं गया ये खमिया जुमे से नहीं गया अच्छा देखिए बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन मैंने कहा फोल्डेड इनवर्ड के म्यूट रखें अपने आप को प्लीज, बीच में लेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है सारा। के प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिजोजोम। अगर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड हो जाए और फोल्ड होकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना ले तो उसको हम किसका नाम देंगे, मिजोजोम का। तो ये क्या है, आपके पास मिजोजोम है। ठीक है, अच्छा मिजोजोम के अब डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मिजोजोम की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन तो यही होगी, चलिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मिजोजोम। ठीक है जी, तो देखें द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बात एक ही है और बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया इज फोल्डेड इनवर्ड टू फॉर्म अ स्पेशल स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिजोसोम। ठीक है, मिजोसोम टेक पार्ट इन, मिजोसोम टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, इसमें रोल प्ले करेगा सेल डिवीजन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, रेस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम।
ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स। देखिए ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, ये सारे के सारे फंक्शन बैक्टीरिया के हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर के ऊपर। तो अब ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इनवर्ट फोल्डेड होकर के क्या कर रही है, यानी कि एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, ठीक है। और वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए ये प्रोकैरियोटिक है, इसके पास न्यूक्लियोलस मौजूद नहीं है। तो आपके माइंड में आता होगा प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियोलस इसके पास मौजूद नहीं है, और जब न्यूक्लियोलस इसके पास नहीं है तो हाउ इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो ये डिफरेंट फंक्शन कैसे करेगा। तो यहाँ पर जो मीजोसोम है वही क्या है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज है जो रेप्लिकेशन करवाता है, और आप न्यूक्लियोलस के अंदर आपने देखा था आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए की फॉर्मेशन करता है। तो आपके माइंड में आता होगा कि आरएनए की फॉर्मेशन कैसे होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होगी। तो कुदरत ने इसको बेशक न्यूक्लियस नहीं दिया, न्यूक्लियोलस नहीं दिया, लेकिन इसको मीजोसोम दे दिया। मीजोसोम सारे वो फंक्शन कर रहा है जो फंक्शन कौन किया करता था, न्यूक्लियोलस किया करता था, ठीक है। क्योंकि देखें इसी मीजोसोम से डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज को रिलीज करेगा। इसी मीजोसोम से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सीक्रेशन होगी, और वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करेगा, आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। इसी मीजोसोम के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है। और इसी यही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स करता है। तो देखें मीजोसोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बैक्टीरियल सेल। मीजोसोम जो है वो एक बहुत ज्यादा आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरियल सेल का। मीजोसोम के बाद आगे चलते हैं के नंबर 7 तक, नंबर 8 के ऊपर चलते हैं कि नंबर 8 आपके पास न्यूक्लियाइड क्या चीज है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियाइड के ऊपर बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियाइड जो है इट इज आपके पास एन इरेगुलर शेप, ये इरेगुलर शेप होगा, और इरेगुलर शेप होने के साथ साथ डेंस फॉर्म में होगा। एक स्ट्रक्चर है डेंस फॉर्म का, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, कॉल्ड क्रोमेटिन, कॉल्ड क्रोमेटिन कहलाएगा, या क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इट इज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख ले न्यूक्लियाइड क्या करता है, इट इज नॉट कंटेन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंटेन नहीं करता, ना ही इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, एंड न्यूक्लियोलस ये भी एब्सेंट होगा। देख ले आप खुद, ये सारी चीजें इनके पास क्या है, एब्सेंट है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस, और से सुनिएगा ये पॉइंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस the bacterial cell is called prokaryotic cell. तो देखें यहाँ पर कि इसके पास irregular टाइप का, irregular आपको पता है कि किस टाइप का, मैं आपको बना के भी ड्रॉ करके भी यहाँ दिखा देता हूँ कि आपके पास यानी कि इरेगुलर शेप डेंस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन बॉडी या बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कहते हैं।
इट इज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंटेन नहीं करेगा, ना न्यूक्लियर प्लाज्म होगा, ना न्यूक्लियोलस होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस। बैक्टीरियल आपके पास क्या कहलाता है, ये बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियॉइड को मैं रिमूव करता हूँ, आप देखिएगा बिल्कुल सेंट्रल रीजन के अंदर ना, इसके बिल्कुल सेंट्रल रीजन में यहाँ पे देखें इस तरीके से कि ये बैक्टीरियल सेल है। यहाँ आप देखेंगे तो ये सेंट्रल रीजन के अंदर इस तरीके से ये क्या मौजूद होता है, इसका न्यूक्लियॉइड, न्यूक्लियॉइड मौजूद होगा इसका, ठीक है। अब न्यूक्लियॉइड के बाद इसके अंदर लास्ट अब हमारे पास एक रह गया है, और वो लास्ट क्या है आपके पास, प्लास्मिड। ये बेसिकली प्लास्मिड क्या है, प्लास्मिड को यूज किया जाता है किसके अंदर, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्लास्मिड को यूज किया जाएगा, ठीक है। बल्कि मैं नंबर 10 चल रहा है, नंबर 9 वेक्टर के तौर पे यूज होगा, ठीक है। प्लास्मिड, देखिए प्लास्मिड क्या है, इट इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट किसको कहते हैं, पार्ट्स को कहते हैं, फ्रैगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, इट रेप्लिकेट ऑन इटसेल्फ, रेप्लिकेट ऑन इटसेल्फ, उसे रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट, डज नॉट टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इट इज यूज्ड एज, यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में इसको किसके तौर के ऊपर यूज किया जाता है, वेक्टर के तौर के ऊपर यूज किया जाता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा भी होगा इस तरीके से ये क्या है, प्लास्मिड है, ठीक है, प्लास्मिड। और इस प्लास्मिड को कट करके किसी अदर सेल के अंदर क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर इसके पास रेप्लिकेशन करने की, फिर इसके पास रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है, तो ये खुद से जा करके वहाँ पे क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, और वहाँ पे जाकर रेप्लिकेशन करके न्यू सेल्स बना लेता है। जैसे कि सपोज करें, फॉर एग्जांपल के पैनक्रियास के अंदर अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं, अगर आपको याद हो पैनक्रियास अल्फा और बीटा सेल्स को कंटेन करता है, और वो अल्फा और बीटा सेल्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन की क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, बेसिकली तौर के ऊपर क्या होता है कि बीटा सेल्स के अंदर ट्यूमर हो जाता है, और जब पैनक्रियास के बीटा सेल में ट्यूमर हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होती है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो चेंज नहीं होता है किसके अंदर जाकर के, हाँ बिल्कुल सही है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो जाकर के यानी कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि लीवर सेल के अंदर प्लाज्मिड के एक छोटे से पार्ट को कट करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जब इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये लीवर सेल के जेनेटिकल मटेरियल के साथ जाकर के कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद वहाँ रेप्लिकेशन करता है, क्योंकि इट रेप्लिकेट ऑन इटसेल्फ, ये खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, और वहाँ रेप्लिकेशन करने के बाद में ये क्या करते हैं, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से देखें, वो बीटा सेल जिनमें ट्यूमर हो गया था दोबारा नॉर्मल हो गए थे, वो दोबारा से नॉर्मल सेल्स वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू डायबिटीज का खात्मा किया जा सकता है, लेकिन इज वेरी कॉस्टली।
इसको परमानेंटली बाइंड नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, बार बार इंसुलिन लेनी पड़ती है। देखें, एक तो ये कंडीशन है आपके पास, पहले पास के अंदर मैमल से इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता था, लेकिन अब जो है आप क्या करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं और उससे इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं। इंसुलिन के मार्केट में डिफरेंट पैन अवेलेबल होते हैं और उन पैन के अंदर इंसुलिन होती है लिक्विड फॉर्म में, और बिफोर ईच मील, हर लंच या डिनर या खाने से पहले उसको बॉडी के किसी भी पार्ट में निडल के थ्रू इंजेक्ट कर लिया जाता है। उसमें mm मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर के कितने आप मिलीमीटर के अंदर इस इंसुलिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा हाई टाइप की डायबिटीज़ है उतनी ही ज़्यादा जो है आप क्या करते हैं, यानी कि यूँ कह लें कि टाइप की, यानी कि उतना ही अमाउंट इंसुलिन का आप बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, और फिर पहले से आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में इंसुलिन पहुँच जाती है। फिर वो जा करके जैसे ही आप फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है तो वो उस फूड के अंदर आने वाले कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देती है। अच्छा सर, इसको जीन फ्रैगमेंट में बेस होती हैं, जीन कैरी करते हैं? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी इसकी बेटा इसकी हम मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी इंटर के चैप्टर के अंदर, वहाँ सारी मैं आपको बताऊँगा जीन्स की, ठीक है ना, कि कैसे इसमें जीन्स कैरी करते हैं, कैसे फ्रैगमेंट बेसिस होंगी सारी इसके पास। यस, इस फ्रैगमेंट के पास बेसिस होती हैं, और बेसिस होने के साथ साथ सर फर्स्ट में आना ये टॉपिक, फर्स्ट ईयर में इंटर में है ये टॉपिक, ठीक है, मेरा भी रिप्लाई करते हैं। कौन सा आपका, कौन सा रिप्लाई है आपका, कौन सा रिप्लाई, खैर मुझे नहीं पता आपका कौन सा रिप्लाई है। और सर बैक्टीरियल क्रोमेटिन भी कैरी करता है जीन्स? यस, बैक्टीरियल क्रोमेटिन भी कैरी करता है जीन्स को, कैसे, कि एक 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 बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कैरी कर लेता है। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आज फिर आवाज़ का मसला है क्या, क्या मसला है आज, फिर वॉइस का मसला हो रहा है क्या? आज तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कल तो कहीं और था, आज तो मैं अपने इधर, कल तो कहीं और से ले रहा था, आज तो मैं यहीं से ले रहा हूँ। स्लो है बहुत, स्लो बहुत है, तो स्लो बोल रहा होगा, स्लो आ रही होगी। चले अब लाउड बोलता हूँ, ठीक है लाउड बोलता हूँ। अब सही आ रही है ना, अब सही आ रही है, अब मेरे ख्याल सही आ रही है, अब सही नहीं आ रही। ये सही है इर्ज़ा, सही है नूर फातिमा, ठीक है प्रार्थना, नहीं है कोई प्रॉब्लम, सही है ना, बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई ऐसा इशू तो पैदा नहीं हो रहा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर था वो वाइंड अप हो गया, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इंटर के अंदर। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चैप्टर 6 के बाद 7 के बजाय 8 के ऊपर चले जाएं, तो यानी कि जो फंजाई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंजाई को पढ़ लें, 8 को, 8 के बाद जब 7 पे आएंगे ना तो आसान हो जाएगा, इसलिए कि उसमें फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा मौजूद है, तो उसमें वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम सर्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 8 के बाद 7 और 9 और 10 पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद 11 के बाद फिर आगे चलें जेनेटिक्स के ऊपर, एंटर की जेनेटिक्स को पकड़ते हैं जाकर के जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाएगा थोड़ा, ठीक है। चलें इसको रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। मंडे को आराम से बड़े एहतियात से खा पी के बैठिएगा, मंडे को 3 से 6 तक क्लास लूंगा, इस टाइम तो मैंने छोड़ दिया था आपको इस दफ़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मंडे को, ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोर्स वाइंड अप करना है, ठीक है, जल्द अज जल्द। और अच्छा चलें जी, अब डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया में पहली टाइप है हमारे पास टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। डाइवर्सिटी किसको कहते हैं बेटा, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, कि कितनी आपके पास वैरायटी है बैक्टीरिया की, कि आपको भी आयशा अरीशा। अच्छा जी, तो अब देखें डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, बैक्टीरिया की कोई एक वैरायटी नहीं है, बैक्टीरिया की देखें कई क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरिया को आप ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आप ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आप ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया को अगर आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ कलर के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया की कई वैरायटीज हैं, डाइवर्सिटी हम वैरायटी ही को कहते हैं। तो पहली देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया आर क्लासिफाई इनटू डिफरेंट ग्रुप। नंबर वन, आप जानते हैं ए ट्राइकस, ठीक है ना,
देखें, एट्राइकस आपको पता है कि बेसिकली एट्राइकस किसको कहा जाता है, कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्या हो आपके पास विदाउट फ्लैजेला हो, विदाउट फ्लैजेला हो, उनको हम किसका नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया का। तो देखें यहाँ पर आपके पास एट्राइकस की मैं डेफिनेशन लिखता हूं, यहां देखिएगा, विदाउट फ्लैजेला। ठीक है, ट्राइकस का मतलब क्या होता है, ट्राइकस कहते हैं नॉट कॉम्पेरेबल को, एट्राइकस यानी कि विदाउट हेयर, ठीक है ना, ये मतलब आपके पास क्या है, विदाउट, ठीक है ना। और ट्राइकस की मीनिंग यहाँ फ्लैजेला या हेयर की मीनिंग है, ट्राइकस से मुराद यहाँ पर क्या है, फ्लैजेला या फिर आपके पास क्या है, हेयर्स है, ठीक है। लोकोमोशन कैसे करते हैं, ठीक है, जिनमें फ्लैजेला नहीं होता, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनके पास फ्लैजेला नहीं है तो लोकोमोशन कैसे करेंगे। अजी आपको पता होगा कि कुछ आपके पास फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, अगर आपको याद हो, आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, फोटोटैक्टिक बैक्टीरिया भी होते हैं, कीमोटैक्टिक बैक्टीरिया भी होते हैं, मैग्नीटोटैक्टिक बैक्टीरिया भी होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इनके पास तो फ्लैजेला ही नहीं है, ये देखें ये बैक्टीरिया है, चलें जी मैं बताता हूँ, ये बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और चलें जी प्लाज्मिड भी बता दिया, ये जेनेटिकल मटेरियल, साइटोप्लाज्म और ये सारी चीजें, ये क्या है, ए ट्राइकस बैक्टीरिया है, ट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा क्वेश्चन कि इनके पास फ्लैजेला नहीं है तो ये मूवमेंट कैसे करेंगे, तो बेटा देखें फ्लैजेला नहीं है तो हो सकता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फोटोरिसेप्टर्स हो, ठीक है ना, ये फोटोरिसेप्टर्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने कल भी कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम की है। तो ये क्या करते हैं कि लाइट को, वो फोटोरिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है ना, वो लाइट को रिसीव कर लेते हैं, लाइट को डिटेक्ट करके लोकोमोशन करते हैं, या कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स देखें क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मौजूद है ना, तो सर्टेन बैक्टीरिया क्या करते हैं, मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो केमिकल को यानी कि रिसीव करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। बास मैग्नीटोटैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया आर एबल टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, के कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए ये डिपेंड करेगा बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले या तो मैग्नेटोरिसेप्टर पे या फोटोरिसेप्टर पे या कीमोरिसेप्टर। जिसके पास फ्लैजेला नहीं है तो उसके पास फोटोरिसेप्टर होंगे, अगर वो नहीं है तो मैग्नेटोरिसेप्टर होंगे, अगर वो नहीं है तो कीमोरिसेप्टर्स होंगे, कुछ ना कुछ उसके पास जरूर होगा जिसकी मदद से वो क्या काम कर लेगा, इनको डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैग्नेटोरिसेप्टर्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को डिटेक्ट करके लोकोमोशन करेगा, अगर कीमोरिसेप्टर्स हैं तो केमिकल को रिसीव करेगा, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स होंगे वो लोकोमोशन करवाएंगे, अगर फोटोटैक्टिक है तो उसके पास फोटोरिसेप्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, लाइट को कैप्चर करेंगे और उसकी मदद से वो क्या करेंगे, आगे की तरफ अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो जो विदाउट फ्लैजेला होगा बैक्टीरिया, उनके पास क्या होंगे, फोटोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर या फिर मैग्नीटोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स सिंगल और ट्राइकस मीन्स थ्रेड या हेयर, और थ्रेड और हेयर को आप किसका नाम दे रहे हैं, फ्लैजेला का, ट्राइकस। देखिए ये क्या रखेंगे, दे हैव ओनली वन फ्लैजेला, इनके पास सिर्फ कितना, एक फ्लैजेला होगा, लुक लाइक दिस, मैं एग्जांपल के तौर पे बना देता हूँ, देखें इस तरीके से ओनली वन फ्लैजेला होगा, जिसके पास सिर्फ एक फ्लैजेला होगा उसको हम किसका नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे मोनोट्राइकस का। अच्छा मोनोट्राइकस के बाद आगे चलते हैं, जल्दी से रिमूव करता हूँ, नंबर थ्री आपके पास होगा लोपोट्राइकस, ये एमसीक्यूज आ जाते हैं, याद रखिएगा अपने माइंड के अंदर, ठीक है। दीज बैक्टीरिया कंटेन, देखें
दीस बैक्टीरिया कंटेन अ टफ। ये टफ का मतलब हार्ड नहीं है, टफ का मतलब यहाँ पर पेयर है या पोल है, पेयर या पोल, पेयर कह दें चले, पेयर है टफ का मतलब। टफ ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला एट ओनली वन पोल, ओनली वन पोल। देखें इस तरीके से एट ओनली वन पोल से मुराद क्या है, देखें पेयर ऑफ फ्लैजेला, देखें एट ओनली वन पोल, देखें इस तरीके सिर्फ एक पोल। पोल कहते हैं साइड को, पोल किसको कहते हैं, साइड को कहते हैं यहां पर, ठीक है। ज्यादा और कम फ्लैजेला होने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकोमोशन तो एक से भी हो जाएगी, दो से भी हो जाएगी। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ फ्लैजेला होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो उसकी लोकोमोशन के अंदर डिफरेंस आ जाता है बस, और तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर चलते हैं फोर के ऊपर। नंबर फोर, एम्फीट्राइकस। अच्छा देखें यहां पे क्या होगा, दीज बैक्टीरिया कंटेन टफ ऑफ फ्लैजेला एट टू पोल्स, टू पोल्स मतलब साइड, और टफ मैंने कहा पेयर को, ठीक है। देखें किस तरीके से मैं यहां पे ये ड्रॉ कर रहा हूं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देखें एक बेटा इस साइड के ऊपर टफ ऑफ फ्लैजेला और एक बच्चा इस साइड के ऊपर। देखें दोनों पोल्स, पोल्स का मतलब साइड्स हैं, साइड्स हैं, बोथ साइड्स के ऊपर इनके क्या होंगे, फ्लैजेला होंगे, तो ये एम्फीट्राइकस कहलाएगा। एम्फी के बाद पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस होल बॉडी कवर्ड विद फ्लैजेला। नंबर फाइव, पेरी गलत हो गया थोड़ा सा, पेरी ट्राइकस, पेरिट्राइकस क्या होगा, होल बॉडी कवर्ड विद फ्लैजेला, होल बॉडी कवर्ड विद फ्लैजेला, क्योंकि होल बॉडी किससे कवर्ड होगी, फ्लैजेला से कवर्ड होगी, लाइक देखें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से होल बॉडी इनके किससे कवर्ड है, फ्लैजेला से कवर्ड है, और जिनकी होल बॉडी फ्लैजेला से कवर्ड होगी उनको पेरिट्राइकस का नाम देंगे। अच्छा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म से अटैच होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास इतनी कैपेबिलिटी थोड़ी है कि फ्लैजेला को अटैच करवाए, ठीक है। एक साइड पर मैनी फ्लैजेला भी हो सकते हैं, नहीं मैनी तो नहीं, अगर मैनी फ्लैजेला होते तो बता दिया जाता कि एक साइड पर मैनी फ्लैजेला है, फिर कोई और नाम होता उसका। होंगे तो पूरी साइड के ऊपर होंगे पेरिट्राइकस, होंगे तो एक साइड पे टफ ऑफ फ्लैजेला यानी कि एक पेयर होगा, या फिर दोनों साइड पे दो यानी कि दो पेयर्स होंगे, एक पेयर में दो फ्लैजेला होंगे। वन साइड पे आप समझे ना, सपोज करें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि ये एक बैक्टीरिया है और इसकी एक ही साइड के ऊपर ये इतने सारे फ्लैजेला है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी ठीक, उसके बाद अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियास, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियास क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये सेकंड बायोडायवर्सिटी हमारे पास बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपके पास क्या डिफरेंस होगा। तो जानता है कोई आप में से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, कोई जानता है आप में से, बताएगा कोई? एक मिनट देखूं जरा क्या आ रहा है। अच्छा देखते हैं चैट पे क्या आ रहा है।
बच्चों ने भेजा है, फैक एंड ट्रू बैक्टीरिया, फैक एंड ट्रू बैक्टीरिया। अच्छा जी शफक, एक पर्पल एक पिंक, ओ माय गॉड, एक पर्पल होगा एक पिंक होगा, ठीक है ठीक है। अच्छा देखे मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है बाप मुझे सुन लीजिएगा। देखिए क्या है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था डैनिश, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड अ वायलेट डाई, डाई कहते हैं कलर को, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन बैक्टीरिया, अननोन बैक्टीरिया on the basis of this dye, dye मतलब color, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, bacteria are classified into two groups। इनको कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, इनको दो ग्रुप्स के अंदर हमने क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो होगा आपके पास कौन सा, यानी कि पिंक पर्पल होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, पिंक होगा। चलें देखते हैं इसको, मैं रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। PCR होती है, ये PCR बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा कि PCR बेसिकली क्या है। देखिए नंबर वन, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, दीज बैक्टीरिया आर stand with violet dye, okay. इन बैक्टीरिया को किससे कलर किया जाता है, वायलेट डाई से। तो ग्राम पॉजिटिव को हम वायलेट डाई से कलर कर रहे हैं, यानी कि स्टेन कर रहे हैं, स्टेन करना मतलब कलर करना। जब इनको वायलेट डाई से कलर किया जाएगा तो पॉजिटिव का कलर क्या आएगा, अफ्सा शेख पर्पल स्टेन होगा और नेगेटिव पिंक होगा। अच्छा जी पर्पल पर्पल, ठीक है। तो इस डायलिस जब करेंगे तो क्या कलर आएगा, पर्पल आ जाएगा। उसके बाद ग्राम नेगेटिव, उसके बाद क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए पूरी सीरीज होती है परसेंटेज की, और उस सीरीज के अंदर बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है। लेकिन दीज बैक्टीरिया, अच्छा मीटिंग एंड होगी दोबारा ज्वाइन करेंगे। दीज बैक्टीरिया आपके पास क्या है, आर नॉट स्टैंड विद वायलेट डाई, कि इन बैक्टीरिया को वायलेट डाई से कलर नहीं किया जाता है। जब इनको वायलेट डाई को इससे कलर इससे यूज नहीं किया जाएगा तो इनका कलर कौन सा आएगा, पिंक कलर आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास पिंक, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यस सही दिशा। देखिए डाई के लिए पूरी परसेंटेज की सीरीज होती है, हम क्या करते हैं कलर देते हैं, और जब बैक्टीरिया को डिफरेंट स्टैनिंग करते हैं ना, कलर देते हैं यानी कि स्टैन करते हैं, तो ऐसे में बैक्टीरिया जो है डिफरेंट कलर्स को शो करता है। अब आप कहेंगे कि डिफरेंट कलर्स कैसे आते हैं, कोई मुझे बताएगा, बैक्टीरिया तो एक ही है ना,
वायलेट आई से करें ना करें क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंट कलर क्यों आ रहे हैं? एक के पास पिंक आ रहा है, एक के पास पर्पल आ रहा है, एक के पास पिंक आ रहा है, एक के पास पर्पल आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है, क्या रीजन है? यस यस यस, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल नहीं, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। इन बैक्टीरियाज की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है?